रहमान सेकेंड ईयर ये जो रहेंगे आपको पोएट्री सेक्शन है बिट नंबर सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे देखिए हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ डू वी आइडेंटिफाई द एनोटेशन इन पोएम्स। तो फर्स्ट है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। तो ये जो फर्स्ट पोएम है आपकी, इसके आइडेंटिफिकेशन कैसा करेंगे आप, फाइंडिंग वर्ड्स वगैरह क्या है। तो एनोटेशन के अंदर है ए वी आर मीटिंग टूडे टू विश हर बॉर्न वोएज, बॉर्न वोएज। तो यहाँ पे देखिए इसके फाइंडिंग वर्ड्स के अंदर मीटिंग, बॉर्न वोएज मीन्स व्हेन वी आर सेइंग फेयरवेल टू द पर्सन हु इज लीविंग फ्रॉम हिज जॉब। तो यहाँ पे आई एन जी कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया है। बी के अंदर आई डोंट मेंट ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। तो यहाँ पे फाइंडिंग वर्ड के अंदर स्वीटनेस है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो यहाँ पे जो ये पोएम के अंदर ये बताया गया कि जैसा कि जो इंडियंस वगैरह रहते हैं हाउ दे आर ट्रांसलेटिंग द हिंदी और द उर्दू वर्ड्स इन डायरेक्टली इन टू द इंग्लिश लैंग्वेज एंड दे आर मेकिंग द सो मेनी एरर्स व्हेन दे आर स्पीकिंग। तो यहाँ पे ये चीज को बताया गया आई डोंट मीन। तो द पर्सन हु इज गिविंग द फेयरवेल एड्रेस टू मिस पुष्पा, तो आई डोंट मीन। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर सी, यस सी एंड डी से दिस इज शोइंग गुड स्पिरिट, आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट। अब यहाँ पे फाइंडिंग वर्ड्स है आई एन जी वर्ड्स, जैसा शोइंग है अप्रिशिएटिंग, आई एम ऑलवेज। तो यहाँ पे शोइंग अप्रिशिएटिंग गुड वर्ड्स है। तो यहाँ पे द राइटर द पर्सन इज सेइंग दैट द ही इज अप्रिशिएटिंग द क्वालिटीज ऑफ द मिस पुष्पा टीएस। अब डी के अंदर है पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो वॉट एवर आई एम और एनी बडी इज सेइंग। अब यहाँ पे देखिए वॉट एवर आई और एनी बडी इज आस्किंग शी इज ऑलवेज सेइंग यस। तो यहाँ पे नेम ऑफ द यस पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन इट इज मेंशन, पुष्पा मिस बोल के यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो आप यू कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट द दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द यस गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी एस। अब इसके क्वेश्चंस वगैरह कैसे रहेंगे, तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए डू यू एग्री द पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी एस इज ए फेयरवेल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे डू यू एग्री अंडर द पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टी एस। तो फाइंडिंग के अंदर आपको फेयरवेल एड्रेस भी है, गुड बाय पार्टी भी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन इज हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब मिस पुष्पा इन दिस पोएम। तो ये पोएम के अंदर उसको किस तरीके से उन्हें क्या करा, इसको डिस्क्राइब करा बोल के यहाँ पे आपको क्या करे, यहाँ पे बता रहे हैं आप। चलिए सी के अंदर व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा। तो यहाँ पे भी सी के अंदर भी आप आसानी से जैसा कि लेसे पोएम का नेम वगैरह है गुड बाय पार्टी, डज द पोएम ब्रिंग आउट द स्वीटनेस ऑफ मिस पुष्पा जस्टिफाई यूअर आंसर। तो फाइंडिंग वर्ड्स के अंदर मिस पुष्पा वगैरह यहाँ पे बता दिया है आपको। चलिए अब इसके अंदर देखिए सेकेंड पोएम है आपके, सेकेंड पोएम यहाँ पे ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट एंड द रिटन बाई जॉन किट्स। अब यहाँ पे इसको कैसे आप ये जोड़ेंगे, सेकेंड और फोर्थ के अंदर है, ए के अंदर द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड फाइंडिंग वर्ड द पोएट्री ऑफ द अर्थ। जैसा आप यहाँ पे देखिए तो द पोएट्री ऑफ अर्थ किसको रिफर करें, यहाँ पे जो है द पोएट्री ऑफ अर्थ बोले। चलिए बी के अंदर ही रेस्ट एट इज बेनिथ सम प्लेजेंट वीट फाइंडिंग वर्ड्स ही रिफर टू द पोएट्री ऑफ द अर्थ। यस ऑन ए लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फॉरेस्ट राउट ए साइलेंस फ्रॉम द स्टोर देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्म इंक्रीजिंग एवर। इसके अंदर जो फाइंडिंग वर्ड्स आपको देखेंगे क्रिकेट है ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट विंटर इवनिंग। यस डी एंड सीज टू वन इन द ड्रॉसीनेस ऑफ लॉस द ग्रास हॉपर्स अमोंग सम ग्रासी हिल्स। तो फाइंडिंग वर्ड्स है जैसा कि यहाँ पे ग्रास हॉपर्स है, तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे पोएम्स के जैसा कि नेम है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट, फाइंडिंग वर्ड्स पोएम्स नेम्स है, फिर भी अकॉर्डिंग टू द किड्स व्हेन डज वन हियर ए क्रिकेट सॉन्ग। तो यहाँ पे फाइंडिंग वर्ड्स है जॉन किड्स, राइटर पोएट नेम इट इज मेंशन सी व्हेन डज ए ग्रास हॉपर सिंग। फिर डी क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस द कॉमन फीचर्स बिटवीन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट। तो यहाँ पे आप आसानी से क्वेश्चन के अंदर तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई वगैरह कर सकते हैं आप। चलिए अब उसके अंदर देखिए थर्ड है, यहाँ पे थर्ड पोएम है, ये भी सेकेंड और फोर्थ बीट में रहेंगे आपको, हिरोशिमा चाइल्ड नाजिम हिकमत है। इसके अंदर एनोटेशन वगैरह देखिए आप, इसके अंदर आई नॉक एंड येट रिमेन अनसीन। तो आई यहाँ पे क्या है फाइंडिंग वर्ड्स के अंदर, इट रिफर्स टू द हिरोशिमा चाइल्ड।
जैसा। फिर उसके बाद यहाँ पे रिमेन अनसीन, वाई शी इज अनसीन बिकॉज शी डेड इन अटैक, यस इन हिरोशिमा। बी आई एम सेवन नाउ एज आई वॉज देन, व्हेन चिल्ड्रन डाई दे डू नॉट ग्रो। तो यहाँ पे फाइंडिंग वर्ड्स के अंदर आई रिफर टू द हिरोशिमा चाइल्ड, तो इसके अंदर ये बताना चाह रहे कि जब बच्चे मर जाते तो क्या है उन लोग, जैसा कि दे डू नॉट ग्रो, तो दे विल बी सेम व्हेन दे डाइड। तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद सी एनोटेशन है, आई आस्क फॉर नथिंग फॉर माई सेल्फ फॉर आई एम डेड, फॉर आई एम डेड। तो हिरोशिमा चाइल्ड के अंदर ये जो बच्ची है 7 ईयर्स है, व्हाट शी वॉज सेइंग, शी वॉज सेइंग दैट द आई वॉज आस्किंग फॉर नथिंग फॉर माई सेल्फ फॉर आई एम डेड। तो आई जो फाइंडिंग वर्ड्स के अंदर आई रिफर टू द हिरोशिमा चाइल्ड एंड डेड बोल के, तो ये जो है बॉम्बिंग की वजह से जैसे अमरीका हैज ड्रॉप्ड, हैड ड्रॉप्ड द यस एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा चाइल्ड, तो इस डेड डिस्ट्रॉयड द सो मेनी पीपल्स, सो हियर आई रिफर टू द हिरोशिमा चाइल्ड। यस ऑल डेड, यस ऑल डेड आई नीड इज डेड फॉर पीस, यू फाइट टूडे, यू फाइट टूडे फॉर द पीस। तो ये वॉर रहेंगे तो क्या रहेंगे, इट इज ए वॉर फॉर द पीस। तो यहाँ पे देखिए देखिए, आई रिफर टू द हिरोशिमा चाइल्ड, यस शी वॉज 7 ईयर्स ओल्ड। तो इससे आप जो है फाइंडिंग वर्ड्स के अंदर आई, नॉक, अनसीन, सेवन, डेड, डेड, और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे पीस और वार के बारे में आप यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम हिरोशिमा चाइल्ड, फाइंडिंग वर्ड्स हिरोशिमा चाइल्ड। तो यहाँ पे आपको हिरोशिमा चाइल्ड देंगे, आप लिख दे सकते हैं। बी के अंदर व्हाट डज द पोएट अपील फॉर पीस, यस दाउ ए डेड चाइल्ड, फाइंडिंग वर्ड है यहाँ पे अपील फॉर पीस, डेड चाइल्ड, तो ये क्या है डेड चाइल्ड, इट रिफर टू द हिरोशिमा चाइल्ड। यस सी, सी है डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड, डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड व्हेन शी नोज दैट शी वाज डेड एट द एज ऑफ द 7। सो हियर डेड डेड 7 ईयर्स इट रिफर टू द हिरोशिमा चाइल्ड। आई आस्क फॉर नथिंग फॉर माई सेल्फ, वाई डू यू थिंक द चाइल्ड आस्क नथिंग फॉर हर सेल्फ, सो हियर इट इज मेंशन आई इट रिफर टू द हिरोशिमा चाइल्ड, शी इज आस्किंग फॉर नथिंग, शी सेड दैट द आई एम बैड, आई अपीयरिंग फॉर द पीपल सो दैट दे कैन फाइट फॉर द पीस। तो इसके अंदर जो है कीवर्ड वगैरह आप देखिए, आई, नॉक, अनसीन, सेवन, डेड, अपील और द पीस और द नथिंग बोल के ये वर्ड्स वगैरह यहाँ पे रिफर करे सर। चलिए उसके बाद देखिए फोर्थ पोएम है यहाँ पे, फोर्थ पोएम यहाँ पे अवेक बोल के आप, ये फोर्थ पोएम है, सरोजनी नायडू है, नेम ऑफ द पोएटेस इज सरोजनी नायडू। यहाँ पे जो आप आसानी से पहचाने, हु नील इन दाई प्रेजेंस टू सर्व एंड एडोर दी, यस फाइंडिंग वर्ड्स दाई दी नील, तो ऐसे वर्ड्स आएंगे जैसा कि दिस आर द वर्ड्स दैट आर यूज इन द प्रीवियस इन द इन द ओल्ड एज, इन द वी कैन से दैट द इन द ओल्ड एंड डेज दे यूज दिस काइंड ऑफ द वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स वगैरह जो है यहाँ पे इस्तेमाल, दाई दी दाओ, अवेकन एज सेवर द वोज दैट इनक्रॉल अस अवेकन। तो यहाँ पे अवेक जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज एज ए अवेक। यस नेवर शेल वी फेल दी, फॉरसेक दी और फॉल्टर, हूज हार्ट्स आर दाई होम एंड दाई शेल्ड एंड दाई अल्टर। तो ये जो है दाई दाइन दाओ ऐसे वर्ड्स आए तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये ओल्ड इंग्लिश के अंदर ये वर्ड्स वगैरह यूज होने वाले वर्ड्स वगैरह है। डी के अंदर देखिए यहाँ पे एनोटेशन डी, हरकेंस, ओ क्वीन एंड ओ गॉडेस वी हेल दी। तो यहाँ पे जो है फाइंडिंग वर्ड्स के अंदर डी बोल के आ गया, यहाँ पे ओ बोल के है, तो ऐसे वर्ड्स वगैरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द अवेक पोएम। अब ये क्वेश्चंस के अंदर देखिए आप, क्वेश्चंस के अंदर यस क्वेश्चंस, ए क्वेश्चंस सब्सटेंशिएट द क्रिटिकल कमेंट दैट द पोएम अवेक इज ए पैट्रियोटिक सॉन्ग। तो अवेक पोएम है तो इसके अंदर आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे बी है व्हाट डू द चिल्ड्रन इम्प्लोर द मदर इन द पोएम अवेक, तो ये अवेक बोलिए पोएम देती है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सी हाउ डू इंडियंस प्लान टू सेट देयर मदर अगेन, यस अगेन इन द फोरफ्रंट ऑफ द ग्लोरी। तो फाइंडिंग वर्ड्स है ये इंडियंस रिफर टू हिंदूज, मुस्लिम्स, पारसी एंड द क्रिश्चियन, ये इंडियन और ग्लोरी मदर ये जो है अवेक पोएम के अंदर। व्हाट डू द चिल्ड्रन ऑफ ऑल द क्रीड प्रॉमिस देयर मदर, तो यहाँ पे देखिए प्रॉमिस देयर मदर, तो ये ऑल क्रीड इट रिफर्स टू द ऑल रिलीजियस पीपुल को यहाँ पे रिफर कर रहे, मदर है तो यहाँ पे मदर इंडिया को क्या करे इसको यहाँ पे रिफर करे यहाँ पे। चलिए अब उसके बाद देखिए लास्ट पोएम है यहाँ पे फियर बोल, ये फियर लास्ट पोएम है, ये बहुत आसान पोएम है, नेम ऑफ द पोएट इज खलील खलील जिब्रान। ये सेकेंड और फोर्थ पोएम है, इसके एनोटेशन देखिए, ए के अंदर यहाँ पे बोलेगा इट इज सेड दैट बिफोर एंटरिंग द सी ए रिवर ट्रेम्बल्स विद फियर, तो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सी से, रिवर से, फियर से,
ऐसे वर्ड्स आप भी आके देंगे इसके अंदर आएंगे। बी है एंड इन फ्रंट ऑफ अस शी सेज एन ओशन सो वास्ट दैट टू इंटर देयर सीम्स नथिंग मोर देन टू डिसअपियर फॉर एवर। तो राइटर क्या करे, एक रिवर को एग्जाम्पल लेते हुए बताया कि जैसा कि रिवर पहाड़ों पे से माउंटेन से विलेज से पार करते हुए ओशन में जा रहे, तो यहाँ पे ओशन है फिर डिसअपियर फॉर एवर। जब ओशन के अंदर जाएंगे तो उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि इट विल बी डिसअपियर फॉर एवर। यस। फिर सी एनोटेशन, द रिवर कैन नॉट गो बैक, नो बडी कैन गो बैक, टू गो बैक इज इम्पॉसिबल इन द एग्जिस्टेंस। तो सी के अंदर ये बता रहे कि जैसा कि वापिस जाना क्या है ये इम्पॉसिबल है, दुनिया के अंदर इंसान है वापिस नहीं आ सकता। रिवर भी जो अपना सफर करने के बाद सामने ओशन है, तो क्या इट इज इम्पॉसिबल टू गो बैक। तो यहाँ पे गो बैक या रिवर ऐसे वर्ड्स आएंगे इम्पॉसिबल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डी इट इज नॉट अबाउट डिसअपियरिंग इनटू द सी बट ऑफ बिकमिंग द ओशन। ये डी एनोटेशन के अंदर क्या है, डिसअपियरिंग द ओशन, अब रिवर जो है बड़े समंदर के अंदर चले जाएंगे तो ऐसा समझ में आता है कि डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो इसके अंदर राइटर क्या है, हाउ कैन वी ओवरकम द यस फियर, सो हियर इट इज मेंशन दैट द वी आर बिकमिंग ए पार्ट ऑफ द ओशन। तो इसके जो आपको कीवर्ड्स वगैरह रहेंगे इसके अंदर, फॉर एवर या सी, रिवर, डिसअपियर, ओशन, गो, फियर और ऐसे वर्ड्स वगैरह आपको रहेंगे। इसके क्वेश्चंस कैसे रहेंगे देखिए आप यहाँ पे, इसके क्वेश्चंस के अंदर यस व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फियर, यस व्हाट डज नोबडी कैन गो बैक इन द पोएम फियर। तो फाइंडिंग वर्ड्स फियर है, हाउ कैन वन ओवरकम फियर, तो फियर है यहाँ पे। डी के अंदर हाउ डज द लाइन द रिवर नीड्स टू टेक द रिस्क ऑफ द एंटरिंग द ओशन। तो ओशंस वगैरह जो रहेंगे इसके अंदर आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको आप पहचान